अपडेट निकल करके आ रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो अपनी जिद से तो नीचे ही नहीं आ रहे हैं और वो भी इस वक्त कड़ाकेदार जवाब दे रहे हैं हमास को, और हमास भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी एक दो दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी, यहाँ पर इसराइल ने कहा कि हमारे यहाँ से बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को किडनैप करके ले गए हैं और वहाँ पर हमास के अंदर गाजा पट्टी के अंदर गलत काम कर रहे हैं। इसराइल का ये जवाब आया है। वहीं हमास का कहना है कि हमने किडनैप किया है, गलत काम किए हैं, तो हमें इसका सबूत दिखाएं आप। तो वही सही बात है, हमास ने बिल्कुल एकदम सही कहा है, इसराइल को इसकी रिपोर्ट दिखानी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो उसका बांधा गाजा पट्टी, गाजा पट्टी इसके बीच में खिंच रहा है। और ये जो लड़ाई हो रही है ये 35 एकड़ के लिए ये लड़ाई हो रही है। अब ये 35 एकड़ की लड़ाई पता नहीं किस लिए हो रही है। हमास कह रहा है कि ये 35 एकड़ हमारा है, इसराइल कह रहा है ये 35 एकड़ हमारा है। लेकिन इसमें पूरा हाथ हमास का लीडर अल कासिम, जो इसमें सबसे तगड़ा है और वही ये लड़ाई करवा रहा है और वही इसमें पूरा सपोर्ट उसका है। दरअसल अल कासिम एक गैंगस्टर है हमास का, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पहले जब पहले लड़ाई हुई थी तब उसको तैयार किया गया था यहाँ लड़ाई, तो अब वो लीडर बन गया है, तो अब वो भी इसलिए पूरा सपोर्ट कर रहा है। और हमास और इसराइल में अब दोनों में लगातार लड़ाई, अब पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी। फिलहाल ये लड़ाई रुक जाए तभी अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाई पता नहीं अब इसराइल और हमास के बीच जो हो रही है वो कब रुकोगी। लेकिन इसका शिकार छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, आदमी जो बिल्कुल बेकसूर हैं गाजा पट्टी के अंदर, वो इसका शिकार बन रहे हैं। वही दूसरी तरफ इसराइल के सैनिक वहाँ पर तैनात हैं गाजा पट्टी में, आम लोगों को तबाह करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए अपनी मिसाइलों के साथ। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री का ऑर्डर नहीं आ सकता तब उन्हें कुछ नहीं करते, तब उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा कुछ नहीं करते। तो इसीलिए वो हमला करने के लिए हर तैयार है और वो बस ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहे हैं इसराइल के सैनिक। लेकिन हमास भी अपना दबाव तोड़ जवाब दे रहा है और इसराइल भी वहाँ पर पलटवार कर रहा है और दोनों के बीच लगातार लड़ाई हो रही है। अब ये पता नहीं लड़ाई किस वक्त कब रुकेगी, लेकिन ये 7 अक्टूबर से अभी तक ये लड़ाई नहीं हुई। इसके ऊपर भी और कोई अपडेट आएगी तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे और लेकर के भी नई अपडेट आएंगे। फिलहाल इस बोर्ड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।